हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीईटी 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का बिहार टीईटी बीटीईटी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बाद ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनके कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार टीईटी को बीटीईटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कंडक्ट करवाया था बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड के थ्रू। स्टेट लेवल के एग्जाम है, साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन मोड पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करना होता है, एग्जाम ऑफलाइन मोड में आपका कंडक्ट करवाया जाता है। अब एग्जाम डेट की बात की जाए तो गाइस, आप लोगों का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जून में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने डेट्स अनाउंस नहीं की है। जैसे डेट्स अनाउंस होगी उसके ऊपर वीडियो बना के हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे बिहार टीईटी 2022 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन में भी डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या करना है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। तो गाइस, सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है विद नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, ओटीपी एंटर करके, फिर पेरेंट्स डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है, एप्लीकेशन फी पे करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस में अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हैं या कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं तो एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। तो गाइस, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। सिंपली जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी अगर फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। एप्लीकेशन फी गाइस यहाँ पे आप लोगों की जो है जो रहेगी वो यहाँ पे एप्लीकेशन फी आप लोगों की 600 रुपीज़ रहने वाली है दोनों पेपर के लिए, पेपर वन के लिए 200 या पेपर टू के लिए आपकी 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बता दो, 21 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है, 35 ईयर्स यहाँ पे अपर हायर एज लिमिट है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे दिया SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। अब नेक्स्ट बात की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो पेपर वन यानी कि फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी लेवल के लिए आप 10th पास आउट रहनी चाहिए विद 45%, फिर आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए BSc BA या फिर BA डिग्री में विद मिनिमम 50%, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ आप लोग जो अगर अपियरिंग है फाइनल ईयर में 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 2 ईयर्स इन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। पेपर टू की बात की जाएगी, क्लास 6 to 8 की टीचर बनना है, तो उसके लिए गाइस आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए विद फाइनल ईयर और अपियरिंग इन डिप्लोमा फाइनल ईयर और अपियरिंग इन 2 ईयर्स DL डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या तो फिर ग्रेजुएशन विद 50% और उसके साथ 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd में आप यहाँ पे जो है अप्लाई किए अपियर रहनी चाहिए, या फिर पास्ट और अपियरिंग इन 4 ईयर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन BA, BSc EA, BAE या BSc EA, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब गाइस नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो गाइस आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे, टोटल 150 क्वेश्चन पूछेंगे दोनों पेपर में, पेपर वन पेपर टू में, 2 आवर 2.5 आवर्स आपको दिया जाएगा यहाँ पे दोनों ही पेपर के लिए, हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, गलत आंसर के लिए 0 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। अब गाइस इसका सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कंप्लीट सिलेबस आप डायरेक्टली जो चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, इवन आपको एग्जाम सेंटर में भी नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और वो डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, इससे सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज हो उसके ऊपर वीडियो बना दे आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके नोटिफाई किया जाए।
सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको नोटिफाई किया जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे बिहार के 2022 के बारे में। इनकेस कोई और डाउट है कोई डिटेल जाना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।